हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल. दिस इज लियान लोलिन एंड मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला. आज मैं हूँ कश्मीर में एंड मैं आपको दिखाऊंगा कश्मीर के कुछ प्लेसेस. एंड सबसे पहला है आपका ट्यूलिप गार्डन और मैं आपको ले चलूँगा यहाँ की बहुत ही खूबसूरत बॉटनिकल गार्डन जो बिल्कुल ट्यूलिप गार्डन के पास ही है. 27th of March साथ बने रहना. एंड बिफोर वी स्टार्ट आवर डे टेक अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीनरी हियर. अब मैं पहुंच गया हूं ट्यूलिप गार्डन की ओर. वैसे मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हो सके तो सैटरडे संडे ना आए क्योंकि यहां बहुत भीड़ लगी रहती है जैसे आप देख सकते हैं यहां पे. अब मैं टिकट लूंगा और अंदर चलता हूं एंड आपको दिखाता हूं अब ट्यूलिप गार्डन कैसा लग रहा है 2021 में. सो आप सब देख सकते हो कि अब मैं यहाँ ट्यूलिप गार्डन के एंट्रेंस में आ चुका हूँ एंड मैं अब टिकट लूँगा. एंड उस बोर्ड में आप देख सकते हो कि आप उसमें रेट भी लिखा हुआ है जो एडल्ट के लिए है ₹50 प्लस GST एंड चिल्ड्रेन के लिए है ₹20. तो फाइनली मैंने टिकट ले लिया एंड मैं ये सोच रहा था कि अगर इस मंथ आऊँ, दिस इज 27th of March एंड मैं सोच रहा था कि शायद ट्यूलिप गार्डन खुला नहीं होगा. बट फाइनली आप देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी ट्यूलिप है एंड इसके अलावा भी काफ़ी अलग फ्लावर्स है तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ. सो ये है आपका ओवरव्यू ऑफ ट्यूलिप गार्डन जो इतनी जगह में फैला हुआ है. आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है इन वादियों के साथ. तो यहाँ आने के लिए आपको मास्क की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी क्राउड है एंड मार्च एक्चुअली इतना पॉपुलर टाइम नहीं है ट्यूलिप गार्डन के लिए क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आया था तो वो आया था मैं अप्रैल के मंथ एंड उस समय पूरी तरह खिलते हैं ये ट्यूलिप गार्डन. आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं एंड जो यहाँ के ट्यूलिप गार्डन की आनंद उठा रहे हैं. और आप देख सकते हो इस सेक्शन में अभी ट्यूलिप के प्लांट्स लगाया गया है. एक्चुअली मुझे भी इस बात श्योर नहीं था कि ट्यूलिप होगा या नहीं लेकिन जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि हाँ है, काफ़ी देखने लायक ट्यूलिप अभी लगा हुआ है आप जो देख सकते हैं यहाँ पे. बाय द वे आप सबको बता दूँ कि ये जो आप ट्यूलिप गार्डन देख रहे हो ये अपने देश में है एंड ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है जो इस तरह से पूरी दूर दूर तक फैला हुआ है. एंड ये है आपका ट्यूलिप जो बाहर रखा हुआ है जस्ट डेमो के लिए ताकि लोग अच्छी तरह से देख पाए इस ट्यूलिप्स को. गाइज आप में से किसी को फूल पसंद है तो आई विल हाईली रेकमेंड दिस प्लेस सो दैट यू नो यू कैन कम एंड सी दिस ब्यूटीफुल ट्यूलिप्स हियर. वैसे ये जगह ट्यूलिप गार्डन जो है वो डल लेक से बहुत दूर नहीं है. आपको लाल चौक से ऑटो टैक्सीज कुछ भी मिल सकते हैं आप आराम से आ सकते हो और ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा. बट येस ये जगह डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग है. बारे में आपको बता दूँ कि जो आप कैमरे में देख रहे हो वो आपको वो एक्चुअली जस्टिफाई नहीं करता इस जगह की ब्यूटी को. जब आपको आना हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अप्रैल के मंथ में आए. वैसे कहते हैं ना कि अपना मी टाइम निकाल के आप यहाँ आराम से बैठ सकते हो और पूरे दिन बैठ सकते हो चाहे तो एक जगह पकड़ लो और आराम से बैठो और नज़ारे के मज़ा लेते रहो. और आप जब यहाँ आओगे तो आपको इस तरह के ब्यूटीफुल फाउंटेन देखने को मिलेगा जो इसका खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. एंड उसी के सामने आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखने को मिल जाएंगे जो सेल्फीज ले रहे हैं आराम से बैठे हुए हैं. वैसे मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पानी भी लेके आने को ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पीने के लिए पानी अवेलेबल है जो आप देख सकते हो मेरे सामने.
बात हो गई, मैं चल चल के थक गया एंड इसलिए मैं यहाँ नीचे बैठा हूँ आराम से। मैं आपको बताता हूँ अपनी पर्सनल सलाह इस जगह के बारे में। सो जब भी आपको ट्यूलिप गार्डन आना हो तो ग्लूकोज चढ़ा लेना आने से पहले, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और आपको काफ़ी चलना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट टू वेयर योर मास्क, अदरवाइज आपको इतना चूना लगेगा कि आप बता नहीं सकते। होटल रूम पहुँच के आप रोते रहोगे। ये वादियाँ देखो और आप बताओ कि आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में। Finally, I got an opportunity to sit very close to the tulip, and these yellow tulips are so beautiful. बट अभी आप यहाँ आओगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह भागते भागते जाऊँ और फोटो खींचूँ, अगर आपको फोटो खिंचवाने की शौक हो तो। फाइनली मुझे ट्यूलिप के काफ़ी करीब आके वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है एंड आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई मुंबई के सेलिब्रिटी आए हैं टिकटॉक वाले जो अपने वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। एंड अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड मैं अब जाता हूँ बॉटनिकल गार्डन जो बिल्कुल इसके पास में है एंड ये आपका पड़ता है 25 रुपीस पर पर्सन। मार्केट लगे हुए हैं लोकल मार्केट एंड आपके आने से इनका टूरिज्म भी काफ़ी बूस्ट होगा, तो आइए एंड एक्सप्लोर कीजिए इस ब्यूटीफुल कश्मीर को। पहले बाहर निकलते हैं आपको इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा लोकल मार्केट, तो आप वहाँ आराम से अपना टाइम निकालो, फिर यहाँ आके आप पेट पूजा कर लो एंड देन आप फिर अगले डेस्टिनेशन की ओर चले जाना। दिस इज द व्यू ऑफ बोटनिकल गार्डन। तो गाइस आपको अगर शॉर्ट ट्रिप करना हो तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप दिल्ली से काफ़ी सस्ती में फ्लाइट चलती है एंड आप यहाँ सुबह आके दिन में श्रीनगर पर्टिकुलरली आप इस जगह को काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हो एंड देन आप शाम की फ़्लाइट लेके, अब तो रात की फ़्लाइट भी चलने लगी है आई थिंक 7:30 के करीब जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से, तो आप इस जगह में आएँ एक्सप्लोर करें एंड उसी दिन साथ ही साथ आप वापस भी जा सकते हो। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि बहुत लोग दूर दूर से आते हैं एंड अपने साथ लंच लेके आते हैं एंड यहाँ आराम से बैठ के अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं एंड ये है कश्मीर की खूबसूरत बोटनिकल गार्डन की नज़ारे जो इस तरह से हैं। So this was all about today's vlog, and if you like this vlog then please like, comment and subscribe to our channel. Bye.